Hey guys, welcome back to channel. आपका स्वागत है. Well, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हो तो अरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया होगा, पहला वीडियो नहीं देखोगे, जाके सब्सक्राइब करो. ठीक है, पहले से भीख नहीं मांगते. थोड़ा आपने ट्रेलर देखा होगा, बोले ट्रेलर अच्छे लगने के लिए ही डाला जाता है. बट पर्सनली हम लोग इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, अंदर जाएंगे और पता करेंगे इसके अंदर असली चीज़ है क्या, या इस प्राइस सेगमेंट में ये मज़ेदार है कि नहीं. वेल, अरे इंट्रो आने दो यार, चलो वीडियो के अंदर चलते हैं. वेलकम बैक. तो फोन के बारे में बात करते हैं. गूगल में आपको आसानी होगा सर्च करने में, अमेजोन में, तो आप आराम से देखें रियलमी 9 प्रो प्लस. ठीक है ना, तो देख लो, टाइटल में भी देखा ही होगा, कॉपी पेस्ट कर देना अगर ज़्यादा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है. इतना सब तो इलिटरेट नहीं होता ना. ठीक है, हम लोग अंदर की बात करते हैं. इसका एक और सेगमेंट आया रियलमी 9 प्रो. वेल, वो फ़ोन भी इसका छोटा वाला वर्जन है. छोटा वाला वर्जन के मतलब सस्ता में मिलेगा आपको, उसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स थोड़े अलग दिए गए हैं. तो हम लोग उस फोन के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं अपना भी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा. ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं. सबसे पहले आपको हाथ उठाते तो आपको क्या दिखता है? डिस्प्ले. डिस्प्ले आपको दिखता है 6.43 इंच का AMOLED 90Hz प्लस. पर्सनली मुझे 90Hz उतना कुछ सारा लाइक प्राइस सेगमेंट है 24,000-25,000 का ठीक लगता है, लेकिन मैं पर्सनली बोलूँगा कि इतना ज़्यादा हर्ट्स का नीड नहीं है. आप कोई भी गेम खेलते हैं तो वो 60 FPS ऐसे भी एक्सीड नहीं करता, और करता भी है तो आप उसे आँखों से देख नहीं पाइएगा. बट 90Hz आपको वो स्क्रोल करने में कूल लगता होगा तो ठीक है, आप ले सकते हो. एंड 120Hz बहुत ज़्यादा हो जाता है. पबजी भी 90 FPS दे रहा है आपको, उससे ज़्यादा नहीं दे रहा है, तो चिल मारो. मैं पर्सनली हर्ट्स पे नहीं, क्वालिटी भी ध्यान देता हूँ. जैसे कि आपको इसमें फुल HD प्लस भी मिल जाएगा, AMOLED भी मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं जो आप लाइक आपके विजुअल आँखों को आराम देगा. तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दिया करो. लाइक 90Hz 120Hz फ़ोन डाल देंगे और आपको कोई यूज़ नहीं है उस चीज़ का, बस सिर्फ बैटरी खर्चा करेगा. ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रोसेसर. वेल, गेम वेम की बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, तो उसको चलाने के लिए प्रोसेसर तो चाहिए होगा. ऑब्वियसली हर फोन में प्रोसेसर होता है, इसमें भी है मीडिया टेक का डायमेंसिटी 920 5G के साथ है. वेल, ये कह रहे हैं कि इस सेगमेंट में ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है. पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे स्नैपड्रैगन ज़्यादा स्टेबल लगता है. भले ही मीडियाटेक थोड़ा फास्ट जा रहा है लाइक अलग अलग प्रोसेसर में डाल रहा है, बट पर्सनली अगर दोनों को कंपैरिजन में डाले तो ये 800 सेगमेंट वाले स्नैपड्रैगन से कंपैरिजन में आता है स्पीड एंड बाकी सब चीज़ों में मैनेजमेंट के हिसाब से. पर्सनली मीडियाटेक 5G के साथ ज़्यादा सस्ता आता है, तो उन्होंने कोशिश किया कि इसको लाइक बजट के अंदर ही फ़ोन को रखा जाए, एंड आम आदमी भी इसे अफोर्ड कर सके, पॉकेट पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो. अभी प्रोसेसर क्या क्या कमाल कर सकता है, आप इसके अंदर अच्छा गेम खेल सकते हैं, पबजी खेल सकते हैं, फ्री फायर तो शायद बैन हो गया, मुझे नहीं पता हुआ क्या. कमेंट में लिखो यार, मुझे भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो. पर्सनली इट कैन हैंडल वट एवर यू विल डाउनलोड. ओके, तो स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको लाइक आसिफ कितना मिल रहा है? 6128 और 8256. तो 6128 एंड 8256 मतलब मुझे पर्सनली ठीक लगा, लेकिन इसमें एक और सेगमेंट घुसड़ दिया गया है जिसे कहते हैं 8128. उसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे पर्सनली लगता, क्योंकि जिससे ज़्यादा रैम और ज़्यादा लाइक एक प्राइस का डिफरेंस आ जाता है. ठीक है ना, तो 128 इज गुड, 8256 इज ऑल्सो गुड, 8128 मतलब वो ना बस एक प्राइस को गैप को कवर करने के लिए वहाँ पे डाल दिया गया. मैं किसी को भी सजेस्ट करूँगा तो वो 6128 और या तो लाइक 8256. अब बात करते हैं कैमरा की. भाई तुम लोग हो टिकटॉक रील सब लवर्स, एंड आप लोग चाहिए होगा तो एक मस्त सा कैमरा लाइक ऐसे लगाओ, फिर वहाँ पर रिंग लाइट लगाओ एंड थोड़ा सा रील वील बनाते, या कभी कभी हम लोग ऐसे कोई कंटेंट क्रिएटर ऐसे फ़ोन लेके वीडियो बनाने बैठ जाते, तो आपको उसके लिए 50 MP का कैमरा मिलेगा, आपको 1.8 अपर्चर मिलेगा. अगर आप जासूसी करते किसी को रात में ना, तो मस्त एकदम आपको एकदम नॉइस 30% लेस रिडक्शन में मिलेगा, तो आप आराम से किसी की जासूसी कर सकते हैं. वेल, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ. ठीक है, तो थोड़ा सा कैमरा का नीचे आता है. पर्सनली मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगता है, 2 MP 1 MP डाल लेते हैं सेंसर, लाइक थोड़ा तो ऊपर अपस्केलिंग करना चाहिए. बट ठीक है, बजट फ़ोन है तो मैं ओके हूँ, मैं सह लूँगा ये चीज़. तो 8 MP का कैमरा मिलता है अल्ट्रा वाइड, एंड उसी के साथ आपको 2 MP मिलता है मैक्रो यूनिट. वेल, पर्सनली तुम किसी फूल वूल के सामने से जाके खींचोगे ना, तो मुझे वो कैमरा ज़्यादा इंट्रीगिंग नहीं लगता है. ठीक है ना, 8 MP अल्ट्रा वाइड इज गुड, यू कैन हैंडल इट. अब बात करते हैं इसके अंदर लाइक आप लोग सेल्फी वेल्फी लेते हैं, जो लोग लाइक स्नैपचैट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए 16 MP का कैमरा मिल रहा है. पर्सनली सेंसर डिफाइन नहीं किया गया, बट 50 MP में आपको IMX का 766 सोनी का सेंसर मिलता है. वेल, सोनी लाइक क्या बताए, वो तो हर ही कैमरे के लिए सेंसर बनाता है. बाय द वे, सोनी एक नया फ़ोन आया, आपको पता है ना, लाइक यहाँ पे आई बटन में आसिफ ने उसका रिव्यू किया था, उसको दबाओ, देखो जाके. पर्सनली मैं बोलूँगा कि इस बार सोनी ने जस्टिफाई किया, प्राइस पे मत जाना ठीक है ना, लेकिन कैमरा भाई पर्सनली मुझे वो चाहिए फ़ोन. ठीक है, पर्सनली 16 MP मुझे थोड़ा सा कम लगा, कम से कम 32 होना चाहिए था, नहीं तो कम से कम 20 MP का सेंसर तो देना ही चाहिए था. तो वीडियोग्राफी की बात करें तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, ये काफ़ी हार्ड वर्ड है, तो
इग्नोर एड। तो हम लोग थोड़ा लाइक 4K मिलेगा उसमें आपको, 30 FPS मिलेगा। तो अगर आप अच्छा वीडियो शूटिंग वूटिंग करना चाहते हैं एंड ऐसे नेचर वेचर के मज़े लेना चाहते हैं प्रॉपर सनलाइट के अंदर, तो फ़ोन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फ्रंट कैमरा उतना कुछ खास नहीं है, हर तरह लाइक नॉर्मल की तरह 1080p दिया गया है, 30 FPS दिया गया है। तो व्लॉग के लिए मैं पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करूँगा या ऐसे कुछ, लेकिन आप बैक कैमरा से कुछ यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट। ओके, अब इतने सारे चीज़ें भर दी गई हैं तो इन सब चीज़ों को चलाने के लिए एक इंजन तो चाहिए होगा, मतलब एक बैकअप, मतलब जो चीज़ इन चीज़ों को चलाएगा पावर तो चाहिए होगा ना। तो 4500 mAh का बैटरी दिया गया है, साथ में आपको 60W का फास्ट चार्जिंग दिया गया है एंड आपको 15 मिनट में 50% चार्ज कर देगा। वाओ, है ना। एक मिनट को थोड़ा रियलिटी चेक देते हैं, ठीक है। ये सारे लैब्स के टेस्ट होते हैं एंड उसके अंदर एक परफेक्ट कंडीशन रखा जाता है, एक परफेक्ट आउटपुट इनपुट दिया जाता है, उस पूरे हिसाब से 15 मिनट में 50% देता है, ठीक है ना। ये मैं बता देता हूँ, हर टाइम जो भी पेपर पे लिखा होता है वो सारे लैब कंडीशन में ही फुलफिल किया जाता है ताकि वो टेस्ट में ऊपर आए, ठीक है ना। तो ओरिजिनल में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लाइक 17 मिनट 20 मिनट होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बोलना कि भाई तूने तो कहा था कि 15 मिनट में 50% देंगे लेकिन नहीं हुआ, तो मैं रियलिटी चेक दे देता हूँ, ठीक है। यूज़र इंटरफेस की बात करें तो इसमें आपको रियलमी UI 3.0 मिल जाएगा। पर्सनली मैं प्रेफरेंस नहीं देता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मुझे इससे नफरत भी नहीं है। मुझे इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो मैं उसे चूज़ करना चाहूँगा अगर मिलेगा तो, लेकिन मुझे चलाने के लिए मिला तो मैं चला भी लूँगा, कुछ ज़्यादा हार्ड टाइम मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अपडेटेड के साथ इसमें आपको एंड्रॉयड 12 भी मिल रहा है, तो हाँ मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ के लिए। आई हाय 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 हाय, ब्लैक मतलब सबसे मेरा फेवरेट चीज़ है एंड मैं कोई भी कलर, मतलब कोई भी फ़ोन उठाता हूँ उसमें ब्लैक ऑप्शन है तो मैं चुपचाप उठाता हूँ, उसके बाद कोई कलर देखते नहीं। बट अगर आप नारंगी और बिरंगी टाइप के लोग हैं, आपको अलग अलग कलर पसंद है, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। मुझे पर्सनली ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ब्लैक से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। तो इसमें आपको सनराइज ब्लू मिलेगा, उसके साथ आपको ऑरा ग्रीन मिलेगा एंड मिडनाइट ब्लैक मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा फैंसी कलर्स के नाम कर दिए गए, बट ऐसे समझो कि ब्लू ग्रीन और ब्लैक मिलने वाला है, ठीक है। तो आप जब इस फोन को सनलाइट में रखेंगे तो 3 सेकंड में अपना कलर चेंज कर लेगा 5 मिनट के लिए, जब इस पर यूवी एंड सनलाइट गिरेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा धर्म संकट के बारे में, वो है प्राइस। मतलब सब चीज़ें सब कुछ मिल जाएगी, ये बैटरी है वो 765 90Hz एमोलेड डिस्प्ले डॉल्बी वो सब सब है, ठीक है। लेकिन प्राइस क्या आपको सही मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा तो सबसे पहले वही है ना कि लाइक मिडिल क्लास बंदे हैं, देखना पड़ता है कि इसके अंदर सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हम लोग तो जब सब्जी लेने जाते हैं तो देखते हैं 1 किलो के अंदर कितना पोटैटो मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं। आप लोग देखो कि आपको आपके बजट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं 24,000 बोलने वाला हूँ, उसमें 999 कन्फर्म है, ठीक है ना। बाय द वे 24,999 में आपको 6GB 128GB मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 26,999, चलो मैं बोल ही देता हूँ, उसमें आपको 8GB 128GB मिल जाएगा, जो मुझे अननेसेसरी लगा, ठीक है। उसके बाद 28,999 में आपको 8GB 256GB मिल जाएगा, जो मुझे ठीक लगा। तो ये दोनों आपको आराम से सेगमेंट में मिल जाएंगे। रुको 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 रुको, प्राइस बता दिया आप तो वीडियो एंड होने वाला। नहीं भाई, हमने अभी सिर्फ इसके अंदर मतलब वो चीज़ें की बात की जो सारे फोन्स में अवेलेबल है, बट एक्स्ट्रा आपको इसमें क्या मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वो केक के ऊपर क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट के ऊपर टॉपिंग होता है, वो असली मज़ा होता है। तो सोने पे सुहागे वाले चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको DRE मिल जाएगा, मतलब रैम एक्सपेंशन, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। इसको एक्टिवेट कैसे करना है, आपको अबाउट फोन में जाना है, वहाँ पे रैम वाला एक स्लॉट होगा, उस पर 3-4 बार टिक 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 करना है, एक टॉगल अप होगा मतलब एक पॉपअप होगा एंड उसमें आपको लाइक ओके दबाना है, कुछ करना है, आपको नेक्स्ट पेज में लेके जाएगा ना। आपको चूज़ करना है कि आपको 5GB के अंदर कितना GB ऐड करना है, 8GB वाले में, ठीक है। तो वो 13GB तक हो जाएगा, लाइक 8+5 13। उसी के साथ आपको इसमें ऑडियो वाला एकदम मस्त बोलते हैं सिनेमा वाला आपको मिलेगा, लाइक डॉल्बी का एटमॉस वाला फीलिंग। पर्सनली मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, छोटा सा तो स्पीकर होता है, कितना ही देगा, लेकिन ठीक है चलो, कहने के लिए वो भी है इसमें। वेल, एक चीज़ जो है हमारे लाइक अब तो मैं कहूँगा एंशियंट टाइम, हम लोग पूर्वजों के हैं, 3.5mm जैक जो उसमें दिया गया है। अब तो अच्छे अच्छे ट्रू वायरलेस फ़ोन्स आ गए हैं, लाइक ट्रू वायरलेस हेडफोन्स आ चुके हैं। वेल, अगर आपको वो लाइक नहीं पता कौन कौन सा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करो, उसका भी रिव्यू दिया गया, पांचों का पांचों टॉप 5 है, जाओ चेक करो। अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, अरे सब में ही मिलता है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें फीचर एक अलग दिया गया है कि आप अपना हार्ट रेट एकदम लाइक उसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको ऐसे कभी कोई ऐसे रिजल्ट वजल्ट आ रहा हो, आपका हार्ट रेट बढ़ा हो, तो आप चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरे पापा से पिटाई पड़ने वाली है। या आप कभी क्रश क्रश के सामने खड़े हैं तो ऐसे दबाया आपका हार्ट रेट क्रश कर देगा, एक लेटर लिख सकते हो ना कि मेरा हार्ट रेट तुमसे मतलब तुमसे मिलने के बाद इतना बढ़ जाता है, तो आप एक नंबर डिफाइन कर देना, आपको हेल्प हो जाएगा। ये तो सारी चीज़ें बातें, आप रियलिटी पे आते हैं, थोड़ा सा ज़मीन पे आते हैं ना, उड़ना बंद करते हैं, ठीक है ना। तो प्राइस सेगमेंट जो दिया गया पर्सनली वो बहुत ज़्यादा है मुझे ऐसा लगता है, बट इसके अंदर आप और ज़्यादा फ़ोन के बारे में बात करोगे तो कंपैरिजन में क्या है क्या नहीं है। हाँ, बट प्रेफरेंस देता है कि आपको क्या चाहिए।
आपको फ़ोन से क्या चाहिए। तो अगर आपको फ़ोन से अच्छा लाइक अच्छा बैटरी, फास्ट चार्जिंग चाहिए, 5G चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए, तो आप इस फ़ोन को आराम से उठा सकते हो। बट मैं पर्सनली बोलूँगा इस प्राइस में और भी काफ़ी सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपको अलग चीज़ें और बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट पे लिखो कौन से फ़ोन के साथ कंपैरिजन करना है, तो मैं कोशिश करूँगा या तो पहले फेसबुक पे अपलोड कर दूँ उसका कंपैरिजन, नहीं तो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँ, दोनों का लिंक बाय द वे नीचे है, ठीक है। ये नहीं तो मैं इन डेप्थ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, छोड़ो ये तो कॉमन लाइन हो गया। देखो भाई, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। एंड थोड़ा अपना भी कम्युनिटी बढ़ाओ यार, क्या, ठीक है। फेसबुक पे लाइक फॉलो वॉलो कर देना एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।